ऐसी सारी राजनीतिक पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्षों को आज आमंत्रित किया था और आमंत्रित करने का उद्देश्य यह था कि पांच एजेंडा आइटम्स यह तय किए गए। पहला एजेंडा आइटम था संसद में प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, दूसरा एजेंडा था एक देश एक चुनाव, और तीसरा एजेंडा आइटम था आजादी के 75वें वर्ष में न्यू इंडिया का निर्माण, और चौथा महात्मा गांधी की 150वीं जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में आयोजन, और जो पांचवां एजेंडा आइटम था वह महत्वाकांक्षी झीलों का विकास। और इन सब सारे मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रारंभ में बैठक के लिए ओपनिंग रिमार्क देते हुए मैंने पूरी बैठक का संचालन किया, और लेकिन जो चर्चा हुई है मैं यह कह सकता हूं कि संसद की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के विषय पर सभी राजनीतिक दलों में एक आम सहमति थी, और बैठक में मौजूद सदस्यों का यह मानना था कि संसद में संवाद और वार्तालाप का माहौल ये बने रहना चाहिए। यह भी उम्मीद व्यक्त की गई कि 17वीं लोकसभा के लगभग आधे ऐसे सदस्य हैं जो पहली बार निर्वाचित हुए हैं और वे इस अवसर का पूरा लाभ उठाते हुए सार्थक संवाद की भावना को सदन में आगे बढ़ाएंगे। और ज्यादातर सदस्यों ने एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर अपना समर्थन दिया है। थोड़ी बहुत डिफरेंस ऑफ ओपिनियन सीपीआई सीपीएम के रही है यह कैसे होगा इसके, लेकिन इसका उन्होंने विरोध नहीं किया कि वन नेशन और वन इलेक्शन नहीं होना चाहिए, इसका सीधा पूछ नहीं किया, लेकिन उन्होंने इसके संबंध में आशंका व्यक्त की इसे आप कैसे लागू करेंगे। और बैठक में यह भी निर्णय लिया गया और प्रधानमंत्री जी ने अपने उद्बोधन में यह कहा कि इस संबंध में एक कमेटी का गठन किया जाएगा जो निर्धारित सीमा में इससे जुड़े सभी पक्षों पर विचार करके अपने सुझाव देगी। अब उसके लिए प्रधानमंत्री जी कमेटी का फॉर्मेशन करेंगे और उसके बाद उसे जारी किया जाएगा। और बैठक में शामिल कई दलों ने जोर देकर कहा कि नई पीढ़ी को महात्मा गांधी के आदर्शों के बारे में बताया जाना आवश्यक है, जिसके लिए उनकी 150वीं जयंती एक ऐसा अवसर है कि जिसमें कि हम इस लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। साथ ही सभी दलों का यह भी मानना था कि देश में सुनियोजित और व्यापक विकास के लिए हम इस अवसर का पर कुछ ठोस संकल्प ले सकते हैं जो 2022 में आजादी की 75वीं गांठ वर्षगांठ तक पूरे हो जाए। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट आकांक्षी जो जिले हैं उनके विकास पर सभी दलों का बहुत ही पॉजिटिव अप्रोच था, सभी ने इसकी सराहना की है। और बाद में फिर मैंने सबके प्रति आभार व्यक्त किया और प्रधानमंत्री जी ने अपने उसको संबोधित करते हुए इस बैठक को उन्होंने वही जो पार्लियामेंट की प्रोडक्टिविटी बढ़ाए जाने पर जो लोगों के वैल्यूएबल सजेशंस हैं उसकी उन्होंने सराहना की। और साथ ही यह भी कहा कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में उन्होंने कहा कि 10% ब्लॉक्स को भी स्टेट एवरेज तक ले आए, यह आग्रह किया सभी राज्यों से। जल प्रबंधन वाटर मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी चुनौती है और प्रधानमंत्री जी का कहना था कि हमने इस चुनौती को स्वीकार किया है। पानी बचाना ही यह एक प्रमुख रास्ता हो सकता है और गांधी के 150 और आजादी के 75 वर्ष के जो यह कार्यक्रम है वह केवल इवेंट नहीं है बल्कि गांधी जी आज भी देशवासियों के लिए उतने ही प्रासंगिक